बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम माई स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर अलेवन फंडामेंटल्स ऑफ टिक्डोमैट्री डिस्कस कर रहे हैं और उसके नाइन एक्सरसाइज नाइन पॉइंट फोर का आगाज़ कर चुके हैं पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन वन से लेकर नाइन तक जो है वो आपके साथ डिस्कस किए आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर टेन से करूँगा और ऑनवर्ड जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे आज के लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश क्वेश्चन नंबर जो है ये भी आ, दो तरीकों से हल किया जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के, right के ही किया जा सकता है राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर भी प्रूफ किया जा सकता है लेफ्ट ऑफ दिस क्वेश्चन minus sine theta over cos theta plus sine theta. now look at the right-hand side of this identity. cotangent, we need cotangent theta minus 1. how we can get cotangent theta if cos theta is divided by the sine theta? so therefore, what i have to do, i have to divide up and down by sine of theta. Yeah, in other words, you can say that divide denominator denominator and numerator. Numerator by sine theta. To sine theta gasat. आप ऊपर भी डिवाइड करेंगे और नीचे भी डिवाइड करेंगे माइनस साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा आप इतना लंबा लिखने के बजाय ना ये भी लिख सकते हैं डिवाइड अप एंड डाउन ऊपर और नीचे थीटा के साथ डिवाइड साइन थीटा के साथ डिवाइड करें तो यहां पे साइन थीटा आएगा ओवर कॉस थीटा ओवर साइन थीटा नीचे भी मैंने साइन थीटा के साथ डिवाइड कर दिया तो ये कॉस थीटा और साइन थीटा ये किसके बराबर आ गया कॉस थीटा और साइन थीटा ये कुटेंजेंट थीटा के बराबर आ गया कुटेंजेंट ऑफ थीटा साइन थीटा साइन थीटा से कट गया वन के बराबर आ गया और ये किसके बराबर आ गया दिस इज आल्सो इक्वल टू कुटेंजेंट थीटा प्लस वन एंड दिस इज योर राइट साइड सेकेंड मेथड है इसका सेकेंड मेथड या ऑल्टरनेट मेथड कह लें आप इसको सेकेंड मेथड में आप राइट हैंड साइड लेंगे और उसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे थीटा ओवर प्लस वन साइन और कॉस में कन्वर्ट करें एलसीएम लें जवाब हासिल करें यह आ गया थीटा ओवर साइन थीटा माइनस वन नीचे भी आ गया कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस वन ऊपर एलसीएम लिया तो आ गया कॉसिटा माइनस आइन थीटा एनी प्रॉब्लम नो नेवर नॉट एट ऑल दिस शुड बी योर आंसर कि भाई हमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन के आंसर की बात नहीं कर रहा ये इसके साथ खत्म फिनिश ये आ गया कॉस ऑफ थीटा माइनस आइन ऑफ थीटा

सबसे पहले तो ये जो कुटेंजेंट थीटा है इसको मैं खत्म करता हूँ और कुटेंजेंट थीटा को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसको कॉस ओवर साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप एज यूजुअल क्या करेंगे हम इसका एलसीएम लेंगे एलसीएम लिया तो वन प्लस कॉस ऑफ थीटा इनटू टू साइन ऑफ थीटा एलसीएम आ गया दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं ये मल्टीप्लाई होगा ये से मल्टीप्लाई होगा जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा वन प्लस कॉस ऑफ थीटा के साथ अब जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और जहां पे सुटेबल फार्मूला लगता होगा लगाएंगे ये आ गया साइंस के थीटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्केयर थीटा तो कॉस्केर थीटा को मैं पहले लिख लेता हूं और कॉस् थीटा को मैं बाद में लिख लेता हूं ओवर वन प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा अब के थीटा प्लस साइंस के थीटा वेरी पॉपुलर फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री बहुत मशहूर और मरूफ फार्मूला है ये किसके बराबर होता है वन के बराबर के के थीटा के थीटा प्लस साइंस इज इक्वल टू वन इसकी जगह पे जब आप वन पुट करोगे प्यारे बच्चों तो ये ऊपर आ गया वन प्लस कॉस्थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस्टा इन टू तो साइंथीटा दोनों आपस में फिश हूं तो ये आ गया वन ओवर साइन थीटा और वन ओवर साइन थीटा किसके बराबर होता है दैट इज इक्वल टू कोसेकन थीटा विच इज योर राइट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर टेन सॉरी नॉट टेन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में हमने कोटेनियन के थीटा माइनस वन ओवर वन प्लस कोटेनियन स्क्वायर थीटा को हमने प्रूफ करना है कि टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के बराबर है ये पेपर में यू भी आ सकता है चेंज होके कि इसको आप वन माइनस टू साइंस केयर थीटा के बराबर प्रूफ कर दें क्योंकि ये एक क्वेश्चन हम पीछे करके आए हैं जिसमें हमने साबित किया था कि टू कॉस के थीटा वन माइनस टू साइंस के थीटा के बराबर होता है ठीक है तो ऐसे भी आ सकता है सिंपल जो आपको मैंने रूल बताया है कि कोटेंजेंट टेंजेंट को टेंजन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करके एल्सीयम ले एल्सीय लेने के बाद सूटेबल फार्मूला लगाएं और जवाब हासिल करें तो कुटेंजन स्केर थीटा की जगह पे क्या आ गया अर थीटा माइनस साइंस थीटा माइनस वन ओवर वन प्लस थीटा ओवर साइंस थीटा जरा एलसीएम लेंगे ऊपर तो आ गया कॉस्केर थीटा माइनस साइंसकेर थीटा ओवर साइंसकेर थीटा डिवाइडेड बाय ये साइंसकेयर थीटा वन से मल्टीप्लाई होगा प्लस कॉस्केर थीटा ओवर अर थीटा ऐसा करने से यह साइंसियर थीटा साइंसा के साथ हो गया ऊपर आ गया हमारे पास थीटा थीटा और नीचे आ गया कॉस्केर थीटा प्लस साइंस केयर थीटा अब ये तो आप लोग जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है साइंस थीटा प्लस कॉस्केर थीटा दैट इज इक्वल टू वन लेकिन राइट हैंड साइड में हमें चाहिए कॉस्केर थीटा तो इसलिए साइंस के थीटा की जगह पे क्या लगाएंगे साइंस के थीटा की जगह पे हम कॉस का फार्मूला लगाएंगे बट बट साइंस के थीटा इज इक्वल टू वन माइनस थीटा। और अगर ये चेंज के इसके बराबर आ जाता है तो फिर हम साइन का फार्मूला लगाएंगे फिर के थीटा की जगह पे हम पुट कर देंगे वन माइनस साइंस के थीटा ऐसा पुट करने से ये आंसर आएगा ऐसा पुट करने से ये वाला आंसर आएगा तो देखिए हमारी है लेफ्ट हैंड साइड ताजा तरीन शक्ल कैसी बनती है अरे वाह तो बड़ी प्यारी बन रही है थीटा, थीटा माइनस ओहो लेवल जो है इसका ठीक नहीं बना वन माइनस कॉसकेयर थीटा डिवाइडेड बाई वन लिखने की जरूरत भी नहीं है आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस्केर थीटा माइनस वन प्लस कॉस्केर थीटा कॉस्केर थीटा प्लस कॉस्केर थीटा योर नेट आंसर इज टू कॉस्केर थीटा माइनस वन विच इज इक्वल टूर राइट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसमें वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा को हमने कुंडा प्लस कुटेनियन थीटा के बराबर प्रूफ करना है अब देखें ज़रा क्योंकि ये देखें इसको इसमें कन्वर्ट करना जो है ना ये थोड़ा औखा काम लग रहा है लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड को चूज करें राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लाना आसान काम है क्योंकि कुसिकेंट और कुटेंजेंट को हम इजीली साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है तो ये मैंने राइट हैंड साइड ली अब पहले मैं क्या करूंगा इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करूंगा कुसिकेंट थीटा की जगह पे आ गया वन ओवर साइन थीटा ये कु जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो वन ओवर साइन थीटा रिमेंबर कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है कुसिकंड थीटा वन ओवर साइन थीटा के बराबर और कुटेंडियन थीटा किसके बराबर होता है दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होल का सुकेयर अब आप इसका एलसीएम लें ये इसका एलसीएम साइन थीटा आएगा तो साइन थीटा साइन थीटा से कट गया यहां का स्केयर अब ऊपर अब थीटा किसके बराबर है बट साइंसर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस्केर थीटा क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में साइन की कतई तौर पे जरूरत नहीं है इसलिए हमने क्या किया इसको कोस में कन्वर्ट कर दिया वन माइनस कॉस स्क्टा अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई इसको अगर मैं लिख दू वन प्लस कॉस ऑफ थीटा का स्क्र है तो वन प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा एनी प्रॉब्लम नो नेवर नॉट एट ऑल और ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके बराबर होता है ए प्लस बी इंटू माइनस बी तो सिमिलरली वन माइनस क्रॉस थीटा विल बी इक्वल टू वन प्लस क्रॉस ऑफ थीटा एक दफा प्लस एक दफा माइनस तो यहां पुट करें आ जाएगा एक दफा प्लस एक दफा माइनस ठीक 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 ये इसके साथ खत्म आपके पास आ गया ऊपर प्लस नीचे माइनस ओवर वन माइनस कॉ सीटा ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और स्क्रीन शॉट ले लें ले आप इसका क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तरीकाकार इसका क्वेश्चन नंबर थर्टीन से बड़ा मिलता जुलता है वहां पर कुंड और कोटेंजेंट था और आंसर वन कॉस की शक्ल में आ रहा था यहां पे सीकेंड और टेंजेंट है आंसर साइन की शक्ल में आ रहा है तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही मेथड है जो कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल किया है सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे या आ गया वन ओवर कॉस थीटा क्योंकि सिकेंड थीटा किसके बराबर होता है वन ओवर कॉस थीटा के बराबर और टेंजेंट थीटा साइन थीटा ओवर कॉस् थीटा अच्छा अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं ना आया लेट सपोज दैट कि इसके बाद आपको ये पता नहीं चला कि ये मैंने क्या लिखा है तो समझ लें कि आपको ये नहीं मालूम कि थीटा वन ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है आपको ये फार्मूला नहीं आता और ना ही आपको ये मालूम है कि साइन ओवर टेन थीटा किसके बराबर होता है साइन ओवर कॉस तो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जब आपको कोई स्टेप समझ नहीं आता तो समझ लें कि वो फार्मूला है जो कि आपको याद नहीं है इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम तो इसका आएगा कॉस थीटा ही ऊपर आ गया वन माइनस साइन थीटा होल का स्क्वेयर इसको मजीद हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन थीटा होल का ओवर थीटा अब स्क्र थीटा किसके बराबर होता है वन माइनस साइन स्केर थीटा के बराबर क्योंकि अब आंसर मुझे साइन में चाहिए तो ये आ गया वन माइनस साइन ऑफ थीटा होल का स्क्र ओवर वन माइनस साइन स्केयर थीटा अब वन माइनस साइन के थीटा के फैक्टर बनेंगे एक प्लस वाला और एक माइनस वाला वन माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर एक दफा प्लस और एक दफा माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस वाला ए इसके साथ कैंसल ऊपर आ गया वन माइनस साइन थीटा और नीचे आ गया वन प्लस साइन थीटा गौर से देखो ये क्या है ये तो हमारी राइट हैंड साइड है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 15 हमने टू टेजेंट थीटा को प्रूफ करना है वन प्लस टेजेंट स्केर थीटा के बराबर को प्रूफ करना है कि टू टेजेंट थीटा ओवर वन प्लस टेंजेंट स्केर थीटा को साबित करना है कि ये टू साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है और चूंकि अगर आप दसवां चैप्टर पढ़ चुके हैं तो फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि साइन टू थीटा के बराबर भी होगा क्योंकि ये साइन टू थीटा का फार्मूला है इसको हल करने के दो तरीके हैं एक तो यह है कि इसको साइन और कॉज में कन्वर्ट करें उसके बाद एलसीएम लें सिंप्लीफाई फार्मूला अप्लाई करें सिंप्लीफाई करें या दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर डायरेक्ट ही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वन प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा बट वन प्लस टेंजेंट स्केर थीटा बराबर होता है स्क्वायर थीटा के ओके okay. तो फिर आ गया टू टेंज थीटा इंट डिवाइडेड स्क्वायर थीटा अब इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें अब ये देखिए टेंजेंट थीटा है इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और ये जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है ये जब मार के जब ऊपर जाएगा तो सीकेंड किसकी शक्ल इख्तियार करेगा की शक्ल इख्तियार करेगा अब एक कॉस कॉस के साथ कैंसल ऊपर आ गया टू साइन थीटा एक चुकी इसके साथ कैंसल हो चुका है तो रह जाएगा कॉस थीटा ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड आप इसको अगर चाहें तो पेपर में अगर ये, ये साइन टू थीटा के बराबर आता है तो एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा ये जो फार्मूला मैंने अप्लाई किया है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन बुक में ना ये स्वाइन लिखा हुआ है एस आई ओ एन स्वाइन थीटा ठीक है तो वो गलत लिखा हुआ है एक्चुअली दिस इज अ थीटा तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर साबित करना है इसी तरह अगर आप राइट हैंड साइड को भी चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर भी साबित कर सकते हैं ऐसा करने से कोई भी आपको मना नहीं कर सकता ठीक अब देखें जरा राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए वन प्लस साइन थीटा तो मैं ऐसा करता हूं वन प्लस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय वन प्लस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा के साथ मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया ये देखिए और वन प्लस साइन थीटा के साथ मैंने डिवाइड भी कर दिया मेरा नहीं ख्याल कि आपको यहां तक कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम होनी चाहिए हाँ अल्बत्ता ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला जब आप इस्तेमाल करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस पहले लिखते या बाद में लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता ये बराबर होता है पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर तो ये वन माइनस साइन सीटा ए माइनस बी ए प्लस बी पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर ओवर टा इंटू वन प्लस साइन ऑफ थीटा नेक्स्ट वन माइनस साइन स्र्थीटा किसके बराबर होता है दैट इज इक्वल टू कॉस्क्र थीटा तो फिर इसकी जगह पर मैं क्या यूज करूंगा इसकी जगह पर आएगा कॉस्क्र थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन वन प्लस साइन ऑफ थीटा अब अगले स्टेप में एक कॉस्ट जो है वो कॉस्ट के साथ खत्म फिनिश खलास ये पावर टू है ये है तो कटने के बाद ऊपर सिर्फ वन रह गया और नीचे वन प्लस राइट हैंड साइड और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड लेते हैं तो राइट हैंड साइड लेके वन माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके भी इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है हुँ. क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है टेंजन थीटा प्लस कुटेंजन थीटा को हमने सीकेंड स्केयर थीटा को सीकेंड स्केयर थीटा के बराबर प्रूफ करना है इसका मतलब है कि हमें इसको सिम्प्लीफाई करके वन ओवर साइन स्केयर थीटा इंटू वन ओवर कॉस के थीटा इस तरह के कोई टर्म जो है ना वो लेके आनी है तो वही पुराना तरीका इस्तेमाल करते हैं हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा आएगा होल का स्क्वायर फिर इसका जब एल्सियम लेंगे तो एल्सियम इसका आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा अब ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइंस के थीटा आ जाएगा कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस्के थीटा आ जाएगा होल का स्क्वायर अब कॉस के थीटा वाला साइंस के थीटा ये तो हो गया वन के बराबर जिसको हम लिख सकते हैं वन ओवर कॉस थीटा इंटू वन ओवर साइंस किरथीटा अलग अलग करके लिख दिया अब वन ओवर कॉस कॉस जब ऊपर जाएगा ऊपर जाके सीकेंड बनेगा और साइन जब ऊपर जाएगा ऊपर जाके को सीकेंड बनेगा और ये है जी आपकी राइट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर एटीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसको हमने टेंजंट सिकंड थीटा प्लस सिक्ड थीटा माइनस वन और टेंजेंट थीटा माइनस सिक्ड थीटा प्लस वन को हमने इसके बराबर प्रूव करना है थोड़ा सा जरा टेक्निकल क्वेश्चन है इसके अंदर अगर हम इसको साइन और कॉज में कन्वर्ट करके एलसीएम लेने के चक्करों में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जो है ना ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ठीक है हम क्या करेंगे यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करते हैं एज वी नो एज वी नो वन प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा किसके बराबर होता है सीकेंट सुर थीटा के बराबर तो वन किसके बराबर आ जाएगा सीकेंट स्केर थीटा इसको उठाकर उधर लेके गए माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा के बराबर ये वाला जो फार्मूला है ये टेक्निक यहां पे यूज करेंगे तो क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ज्यादा आसान होगा ये देखिए टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस सिकेंड थीटा माइनस वन की जगह पे आ गया सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा अब इसकी फैक्टराइजेशन होगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ये वाली टर्म हमें मिल जाएगी डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस वन अब ए स्क्यर माइनस बी स्केयर किसके बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो लिहाजा इसके दो फैक्टर बनेंगे एक बनेगा पहले इसको लिख लें आप टेंजन थीटा सिकन थीटा इसके फैक्टर बन गए सीकेंट थीटा प्लस टेंजन थीटा एक प्लस वाला और एक माइनस वाला ठीक 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 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस वन अब ऊपर से जो है ना ये देखे जरा सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा ये आपको कॉमन नजर आ रहा है तो ये जब आप कॉमन लेंगे टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा तो ब्रैकेट में आपके पास क्या रह जाएगा ब्रैकेट में रह गया ये पूरे का पूरा बाहर कॉमन चला गया यहां पर रह गया वन ये आ गया जी वन माइनस ये सिकेंड थीटा प्लस टेंट थीटा बाहर चला गया था इधर रह गया सिकेंड थीटा माइनस टेंट थीटा ब्रैकेट क्लोज ओवर माइनस प्लस अब अगर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा तो आइए ऊपर वाली टर्म को मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं यह आ जाएगा वन माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस टेंजेंट थीटा माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया अंदर वाली तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो गए अब यहां पे वन पहले लिखा हुआ है इस वन को मैं पहले लिख देता हूं ये वन इसको पहले लिख दिया माइनस सीकेंड थीटा और उसके बाद फिर टेंट थीटा ये इसलिए किया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए और पता चल सके कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं ये आ गया टेंज थीटा प्लस सीकेंट थीटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा चूंकि ट्रिकी है जो ट्रिक इन्वॉल्व होता है वो ये वाला फार्मूला है जिस वजह से इसको कहा जाता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म फिनिश अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं अपना ख्याल रखिएगा अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा अल्लाह हाफिज़